आर्यम आर्यम गुरु जी, गुरु जी ये मतलब एक तरीके से प्रश्न नहीं है, एक तरीके का ये जो मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ, मेरे मन में चल रही एक दुविधा कह सकते हैं, शंका कह सकते हैं। और ज़्यादातर मेरे अंदर जो प्रश्न आते हैं, इस तरीके की शंकाएं आती हैं जब मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे किसी से पूछनी चाहिए कि हाँ मैं कहाँ गलत हूँ या सामने वाला कहाँ गलत है। सामने वाले को करेक्ट करना मेरा काम नहीं है, पर अपने दिमाग को ठीक रखना और इस तरीके से मैं, वो मेरे ऊपर है। तो एक्चुअली मेरी बात किसी से चल रही थी और अक्सर मैंने ऐसा सुना भी है, पढ़ा भी है, और हम लोग अक्सर सुनते आते हैं हर कोई कि जो किस्मत में होता है, जो नसीब में लिखा जा चुका है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कहीं से भी घूम के मिले। और जो चीज़ आपकी नहीं है, उसके लिए चाहे आप कितने टकरे मारो, वो आपको कभी मिलेगी नहीं, चाहे आप उसके। अब यहाँ से मेरी इसी बात पे बात चल रही थी अपने घर में किसी से, तो उन्होंने ये बोला कि पर्सन ने कि अगर आपके नसीब में वो चीज़ नहीं है, तो चाहे आप मंदिर जाओ, चाहे आप गुरुद्वारे जाओ, चाहे आप मत्थे रगड़ो, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। और अगर किस्मत में है तो घर में शांति से बैठे बैठे भी आपके पास चली जाएगी। तो गुरु जी मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि मैं अब इस बात में क्या समझूं, कि मतलब मैं थोड़ा सा इस प्रश्न में मतलब मुझे मेरे मन को थोड़ा अजीब लगा यार ये सुनकर। हम हालांकि परफेक्ट है, जो नसीब में है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पर ये चीज़ समझ में नहीं आई कि जो नसीब में है उसके लिए मत्थे रगड़ने की क्या ज़रूरत है। और जो चीज़ अगर आप नहीं भी आपके नसीब में लिखी, तो आप चाहे लाख बार टकरे मारो, पूजा पाठ करो, आपको तो भी नहीं मिलनी है। तो मैं थोड़ा सा मैं शायद मेरा प्रश्न क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, या मेरी बात शायद आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ऐसा लोग क्यों सोचते हैं, क्या ये सही है, और सही है तो कैसे, और अगर गलत है तो कैसे, मतलब कि प्रश्न, आप मेरा इस प्रश्न में थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिएगा गुरुजी। धन्यवाद। खुश रहो प्रिय जागृति। आप जब कभी हवाई जहाज की यात्रा पर गई होंगी, या जो हमारे साथी संगी इस वार्ता अंक में हमारे साथ जुड़े हैं, जब भी वो कभी हवाई जहाज़ में गए होंगे, तो एयर होस्टेस वहाँ पहले कुछ आपको प्रदर्शन करते हैं, आपके बचाव के सुरक्षा के उपायों से अवगत कराते हैं, कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में आपको जानकारियाँ देते हैं, आपको बताते हैं किस समय आपने क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे आपका पूरा यात्रा के दौरान कैसे रहना है। तो वो 2 घंटे की, 4 घंटे की, 8 घंटे की, 20 घंटे की, 10 घंटे की एक सफ़र होता है, उसमें आपको डूज एंड डोंट्स के बारे में बताया जाता है कि आप किन किन बातों का ख्याल रखें। उसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है, उसमें वो कहते हैं कि जब आपको ऑक्सीजन के मास्क का इस्तेमाल बताते हैं ना वो, कि कभी ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग हो जाए या इमरजेंसी में कोई जहाज़ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो आपका एरोप्लेन में उस समय क्या करना है कि ऑक्सीजन के मास्क का यूज करना है। और उसके साथ साथ वो बोलते हैं कि वो मास्क का यूज, पहले मास्क अपना लगाएंगे और अपने लाइफ को ठीक करेंगे, अपने आप को सुव्यवस्थित करेंगे, संतुलित करेंगे, मैनेज्ड करेंगे, आफ्टर दैट उसके बाद आप किसी दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन हमारे साथ जीवन में समस्या क्या आ रही है प्राय, जो मैं देख रहा हूँ कि हम कुछ भी नहीं करते, और थोड़ा सा कुछ करते ही हमारे मन का जो संशय है, हम कोई काम अभी शुरू भी नहीं करते, उस पर लोगों से मशवरे प्रारंभ कर देते हैं, उस पर लोगों से चर्चाएं प्रारंभ कर देते हैं, और तो और हम लोगों को इस बात के लिए बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगते हैं कि वो भी ऐसा ही करने लगें या ऐसा ही करें। ये भी एक दुख का और कष्ट का हेतु है, ये दुख और कष्ट इससे उत्पन्न होता है, क्योंकि आप अभी आपने तो स्वाद लिया नहीं किसी चीज़ का, आप दूसरों को प्रेरित करने चल पड़ते हैं। तो पहले आप अपने आप को सुव्यवस्थित करें, अपने आप को ठीक करें। मैंने बहुत सारे डिस्कोर्सेज में बोला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से आप भी थोड़ा कट शॉर्ट करके डिस्कोर्सेज को सुनते और समझते हैं। इस चैनल पर जो 600 के करीब 600 से अधिक अंक पड़े हैं, मेरा आपको सुझाव है कि सारे ही अंक आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, सारे ही अंक सब लोगों के लिए उपयोगी हैं। और जो व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं या जुड़ेंगे, उनको मुझसे मिलने से पहले, मुझसे बहुत सारी बातें करने से पहले, मेरे साथ बहुत ज़्यादा घनिष्ठता से पूर्व मेरे इन विचारों के साथ आत्मसात हो जाना अच्छा रहेगा। उनको उन बातों को सुनना और समझना चाहिए। बहुत वर्ष पहले मैंने एक बार बोली थी कि आप किसी को भी किसी बात के लिए इंसिस्ट ना करें,
उसमें मैंने ये भी कहा था कि आप अगर किसी को, एक मेरे जानने वाले थे, वो 25 साल पहले मेरी किताब आई, उसको लिया उन्होंने, किसी को दे दिया था, फिर रोज़ उससे पूछे कैसा लिखा, क्या लिखा, कैसा लगा, ये विचार कैसा है, तो अब दूसरे आदमी को आप कष्ट दे रहे हैं, वो आप उसकी उसके विवेक पर छोड़ दें, उसको करने दें, उसके विवेक पर छोड़ दें। अभी आपको लगेगा कि मैं पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपके सवाल का जवाब इन्हीं सब बातों में कहीं ना कहीं छिपा है। तो मैंने उनसे कहा कि जब आप किसी को पुस्तक दें तो उसके बारे में ये भी ना पूछें कि वो अच्छी है कि बुरी है, अगर उसने बहुत तारीफ़ की तो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपका अनुराग, आपका प्रेम, आपका जुड़ाव मेरे साथ है, लेकिन अगर उन्होंने थोड़ी सी भी उस बुक में कुछ कमियां हुई, उनके विचारों से कोई तालमेल नहीं बना, जो कि बहुत ज़्यादा अवश्यंभावी है, जिसकी संभावनाएँ सर्वाधिक हैं, तो वो फिर आपको कुछ आलोचना की बात कहेंगे या कुछ मीन बेक निकालेंगे, कुछ कमी करेंगे, वो आपको उससे आप उद्वेलित हो जाएंगे, आपको ख़राब लगेगा। तो आप एक बात चले थे अच्छा करने, आपकी मित्रता में और खटास पड़ गई, आपका जो संबंध था वो और दांव पर लग गया। तो अच्छा है कि आप डू द बेस्ट एंड लिव द रेस्ट, छोड़ दें लोगों के ऊपर। एक बात बात थी कि साहब हम जो है, हमें अगर हमारे भाग्य में ही सब कुछ है तो फिर हम कुछ क्या करें। देखिए, भाग्य और पुरुषार्थ एक सिक्के के दो पहलू हैं, आपके भाग्य में तो है, लेकिन हो सकता है परमात्मा ने ये शर्त उसके साथ लिखी हो कि मांगोगे तो मिलेगा, कुछ कोशिश करोगे तो मिलेगा, कोई प्रयास करोगे तो प्राप्त कर सकोगे। पुरुष कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म तो करना पड़ेगा आपको, और कर्म का सिद्धांत सभी धर्मों में विद्यमान है, और हिंदू धर्म तो इसी पर खड़ा है पूरा का पूरा। कर्म जो भी आप करते हैं वो देर अबेर लौटकर आपके जीवन में आता ही है। आप पूजा प्रार्थना करेंगे उसका भी फल आपको मिलेगा, पूजा प्रार्थना नहीं करेंगे तो उसका फल शायद आपको नहीं मिलेगा। कई बार हमारे पास्ट लाइफ की जो हमारी प्रोग्रामिंग्स होती हैं, हमारे पास्ट लाइफ के कर्माज होते हैं, उसके फल भी हमें प्राप्त होते हैं। पूर्व जन्म के सिंचित फलों को भी हम भोगते हैं, उन लाभों को भी हम प्राप्त करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति तो बिना कुछ करे भी बहुत सुखी है, बहुत आनंदित है, बहुत मज़ा ले रहा है, और हम कहीं किसी चीज़ों में छूटे जा रहे हैं, पीछे हुए जा रहे हैं, हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको क्या पता है कि उसका बैंक बैलेंस कितना है, उसकी उसने कितनी FDs बना रखी हैं, उसने कितना अपने पास कोटा जमा किया हुआ है उन पुण्य कृत्यों का जो आपको सामान्यतः दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये हम इसमें चूक कर जाते हैं। तो ये भोजन और भजन ये नितांत निजी है, ये स्वांत सुखाय है, ये अपने आनंद के लिए है, ये अपने मज़े के लिए है, इसमें ज़्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए, और आप अपना आनंद स्वयं ही लेते रहें तो अच्छा है। आप कई बार ऐसा होता है कि कुछ पुरुषार्थ से कुछ चीज़ें हमारे जीवन में फलित होती हैं। हमारा जितना भी धर्म का विज्ञान खड़ा है, जितने भी धर्म बने हैं, संप्रदाय बने हैं, पद्धतियाँ बनी हैं, चीज़ें बनी हैं, क्रियाएँ बनी हैं, कर्म बने हैं, कांड बने हैं, ये सब कर्म का ही तो सिद्धांत है। ये तो निश्चित था कि भाग्य में आपको, लेकिन भाग्य में तो आपको लिखा है कि आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, आपके भाग्य में लिखा है 10,000 मिलेंगे, ऐसा मान लीजिए। अब 10,000 आपको उस दिन मिलेंगे जिस दिन आपको उनकी आवश्यकता नहीं है, आपको ज़रूरत तो आज है ना 10,000 की। आपको ऐसा मान के चले कि आपके जीवन में आपको 10,00,000 मिलेंगे, लेकिन 10,00,000 आपको उस दिन मिलेंगे जिस दिन आप कहीं, ईश्वर ना करे, आप किसी वेंटिलेटर पर हो, आप कहीं कोई डायलिसिस चल रहा हो, आप कहीं ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए संघर्ष कर रहे हो। जीवन में तो वो पूर्ति होनी है कर्म की, लेकिन आपको उस समय किस काम आएगा वो पैसा, आपके किसी काम नहीं आएगा, आपके लिए व्यर्थ हो गई वो धनराशि। लेकिन कृत्य से, कर्म से, पूजा पाठ से, मत्थे रगड़ने से, जो मत्था रगड़ना है ना, इसको अंडरलाइन करना, मत्था रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, मत्था झुकाने की जरूरत पड़ती है। जो अहले ज़र्फ हैं, वेल एडिकेटेड, जो अहले ज़र्फ हैं सभी से झुक के मिलते हैं, सुराही सर के बल झुकती है तो भरता है पैमाना। तो बहुत बार आपका जो झुकाव है वो आपके परिपूर्णता का द्योतक है, आपके जीवन को भरने का प्रतीक बन जाता है, आपके जीवन को पूर्ण करने का प्रतीक बन जाता है। इसको हम कम समझते हैं, इस बात को हम समझ नहीं पाते, और जब मत्था झुक जाता है ना तो पूरा अस्तित्व आपकी तरफ चलने लगता है। एक छोटी सी चिड़िया, एक छोटा सा पक्षी, एक छोटा सा कौवा, एक छोटी सी बर्ड एक दाना खाने के लिए 100 बार अपना मस्तक झुकाती है, लेकिन इंसान हर चीज़ में अकड़ा हुआ है, अहंकार से भरा हुआ है, और वो लाइनें आती है ना कि लाश थी जो तैरती चली गई, जिंदगी होती तो डूब जाती। ये जिंदगी डूबती क्यों है? एक्चुअली जिंदगी डूबती इसलिए है कि अकड़ है जिंदगी में,
अगर अकड़ ना हो, फ्लेक्सिबिलिटी आ गई ना, प्राण निकलती फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, अकड़ सारी समाप्त हो गई, तब पानी पर ऊपर आ गए, आप पानी पर तैरने लगे, तिरने लगे, आप नदी में इससे उस पार चले गए, और इससे उस पार जाने के लिए ही तो आप हाथ पैर मार रहे थे, हाथ पैर मारने से आप नहीं तिरे, आप कुछ ना करने से तिर गए। मैं ये कहानी पढ़ रहा था बड़ी अच्छी, उसमें एक व्यक्ति बहुत बड़े एक सन्यासी हैं, बहुत बड़े एक धार्मिक उपदेष्टा हैं, वो कहीं जा रहे थे तो साइकिल पंचर जोड़ने वाले की दुकान पर वो रुक गए, बारिश हो रही थी बाहर बहुत तेज, अंदर बैठकर पूछने लगे, बहुत ऐसा कि एक प्राय जब आदमी बैठता है तो चर्चा चलती है, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़, बताई साइकिल का पहिया है, ये रबर है, ये सिलोचन है, ये गोलियां हैं, ये स्पॉक्स हैं, ये चीज़ें, एक एक अंग वो गिनाता चला गया साइकिल का, ये कैरियर, तो ऐसे करके वो फिर बाद में पूछा कि इस डब्बे में क्या रखा, सर डब्बे किनारे इस डब्बे में रखा, इस डब्बे में रखा, इस डब्बे में पैच रखे हैं, इस डब्बे में फलाना सामान रखा, फिर डब्बा सबसे लास्ट में रखा था, तो कहते इस डब्बे में क्या है, कह इस डब्बे में शिव है, परमात्मा है, तो चौंके, बोले शिव हैं, बोले मैं जरा देखूँ ये डब्बा खोल के, तुमने तो बड़ी अद्भुत बात बताई, मेरा तो जीवन बीत गया उनको खोजते खोजते, तुम कहते हो तुमने डब्बे में बंद करके रखा हुआ है, तो डब्बा उठाता है और खोल के देखता तो तुम्हें कुछ भी नहीं होता, रिक्त है वो, शून्य है, एम्प्टीनेस, आप समझ पाए बात को, जहां कुछ भी नहीं है, जहां किसी तरह की चेष्टाएं नहीं है, जहां सब तरह से निर्मूल हैं, आपके बहुत सारे डूज एंड डोंट्स गिर गए हैं, आप बहुत सारे विचारों के तलों से नीचे आ गए हैं, आप सहज समाधि को उपलब्ध हो गए हैं, आप सहजता के साथ सरलता के साथ अपने जीवन को जीने लगे हैं, तो वहां शिव का डब्बा खुल जाता, शिव आपके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। और ये बहुत सारे लोग जो हैं इनके ज्यादा चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका जैसा अनुभव है देखो वैसे ही बात कहेगा, तो जिसके पास जो है वो वही तो आपको दे सकता है, अगर मेरे पास 100 रुपये हैं तो मैं आपको 99 रुपये तक दे सकता हूँ, 100 तक दे सकता हूँ, 105 कैसे दे सकूँगा। तो जिसके पास कोई अनुभव ही नहीं है, ना परमात्मा का, ना प्रेम का, ना अपनत्व का, ना सहयोग का, ना मित्रता का, ना किसी भी चीज़ का, किसी भी तरह का अनुभव ही नहीं है, वो आपको वही तो चीज़ें देगा, जिसके पास जो है वो वही दे सकता है। तो ऐसे लोगों को सुधार से बचिए, अपदीपो भव, अपने आप सुधार खुद कीजिए, अपने दिए स्वयं बनिए, जो बुद्ध की वाणी है, तो आपका मार्ग प्रशस्त होने लगेगा, और ये जब आप क्रियाएं करेंगे तो आपको समय पर चीज उपलब्ध हो सकेगी, चीज तो मिलेगी, जब आपको जरूरत होगी तब मिलेगी, उसका उपयोग भी कर सकेंगे, उसका उपभोग भी कर सकेंगे, दुनिया को दिखेगी भी और दुनिया को भी अच्छा लगेगा, और आप समय रहते उसका इस्तेमाल भी अपने जीवन में कर ले जाएंगे। आप सबके जीवन में एक आशाओं का उजाला बिखरे, आपके जीवन में परमात्मा का प्रकाश बिखरे, आपके जीवन में प्रेम की छाया प्रतिफलित हो, आप सब अहोभाव से भर जाएं, आपके जीवन में प्रेम की, सुख की, सहयोग की, मित्रता की, शांति की, समृद्धि की बारिशें हों, ऐसी मेरी कामना है। ओम स्वस्ति अस्ति। शरणं शुभमस्तु संभव करणं अरमस्तु आर्यं शरणं।